व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रिश वीडियो। अभी हाल ही में जो मूवी है बेहतर रोज के ऊपर बहुत डिबेट चल रही है, तो फेस टू फेस चैनल से रिजवान अहमद सर के चैनल से वीडियो लेके आए 72 के बी डैश डैश डैश, समझ गए होगे आप लोग भी। तो इनकी वीडियोस में आप एक चीज देखना, हर एक चीज को डीप एनालिसिस करके पूरे तरीके से बताते हैं, तभी लोग इनकी फैन है। तो आज हम इनकी बात सुनते हैं, और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो आशिक हो गए, इश्क हो गया, लव हो गया, मैं लव करता हूँ। सड़ी गली सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों खुजड़ों खसड़ों तवायफों की ये सोच तो है गंद। ये इस चीज को एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है, यहूदियों का। आगे चलते हैं, और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मतलब ये बातें सुन के आपको अच्छा लगेगा। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए क्या कहना चाहते हो? समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंसका रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा, तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी, और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। मुसलमान भाइयों, ये कौम आज की तारीख में अपनी वजह से मजाक का सिर्फ सबब बनकर रह गई है, एक मुसीबत का सबब बनकर रह गई है, अपने आप में एक दुर्घटना या हादसा बन के रह गई है, एक वोट बन के रह गई है, एक खबर बन के रह गई है, डिबेट का टॉपिक बन के रह गई है। बस हमारी कौम अब इंसान नहीं बन पा रही है, बाकी सब हमारे साथ कर्म हो चुके हैं। डिबेट में जो बदतमीजी हुई, इस पर कल अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे शोरों पे वीडियो बनाने के लिए, उसमें एक कहां रहता है ये तो मुझे नहीं पता, एक उसमें शाहीन बाग में रहता है, पता चल गया है, किसी ने एड्रेस बताया है। जब शाहीन बाग की 3 गलियां आप गिन लो तो उसके अंदर चलो तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है, उसके बिल्कुल सामने इसका मकान है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कल। आज बात करते हैं 70-72 हूरों की। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हत्तरी माँ की गटर छापो। हाँ, तो भाई साहब आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों पर। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई? चलिए साहब, पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की है, इस्लाम पर 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात नहीं पता होगी, और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर जब पता नहीं कुछ जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो ये माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें 2 फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे, कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा, उस टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्निड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जाए। तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो तो ये तो कहानी हो गई 70-72 की। अब वो 70-72 हूरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, ये 70-72 हूरों का क्या मतलब है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम ये है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुहाई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है,
अब मुसलमान इस बात पर फिर विरोध कर रहा है, चिढ़ रहा है कि ये पिक्चर गलत है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आलिम मौलाना इस पर क्या बोलते हैं। अब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, ये पाकिस्तान के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, माशाल्लाह बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूं, इनका नाम मुंह से नहीं ले सकता, एक मिनट, इनके हाथ तो नहीं चूम सकता, बस नाम लेके रोस्ट तो नहीं करेंगे, अपनी आंखें चूम लेता हूं। तो सुनते हैं ये क्या बोलते हैं, 70 हूरों के लिए ये सच है या गलत है। इसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों की मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क अंबर जाफरान काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत के हूर की आवाज होगी। इनका कहने का मतलब यह है मौलाना साहब का कि डिस्कोथेक की तरह से पूरे में म्यूजिक चलना वहां पर शुरू हो जाएगा। आगे सुनते हैं। 70 साल का होगा। मैं कहा वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसके। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं, जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में, तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ, पैसिफिक भी उधर तुम्हारे घर के पीछे ही बहरो, पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ, साला पैसिफिक नहीं हो गया कोई तलैया हो गया। हाँ, इसे घर के पीछे ही बहरा। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। ये पीता होगा तू, दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले चट लोगे। की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून पखाना नहीं, ला यमतखतून कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी बादशाही मोहब्बत खूबसूरती कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी, लड़ाई दंगा फसाद भी गया। लड़ाई दंगा फसाद सिर्फ दुनिया के लिए है। लड़ाई दंगा फसाद भी नहीं है ऊपर, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है, भी आप बाद में समझा दूंगा क्या है। आगे सुनते हैं पहुंचे हुए मौलाना, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इनका नाम जब जुबान पर आता है तो अपने आंखों में बस इनका नूर रख लेता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा, चल जैसे तेरा रब हमेशा है अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह। अरब में ही माशाल्लाह बहुत तकरीरें करते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। हमें ये देखना है कि ये 72 हूरों फिल्म पर जो मुसलमान भाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो जूते चल रहे हैं, ये क्या ये एक प्रोपोगंडा है या मुसलमान आलिम मौलाना इसका जिक्र करते हैं, बस इतना देखना है, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब की तकरीर सबसे अच्छी है, इन्होंने जो तकरीर करी सबसे अच्छी करी। एंड प्लीज टाइटन योर अंडरवियर्स। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा, तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो। यहाँ पर स्कर्ट मैली कुचैली बीवियां और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो आशिक हो गए, इश्क हो गया, लव हो गया, मैं लव करता हूँ। सुनो जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों खुजड़ों खसड़ों तवायफों की माँ बहन बेटियों को भी ऐसे बोलते होगा कि वो भी किसी ना किसी सही असर है इसके बाद पे बिल्कुल। ये तो हंस रहे हैं, एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये तो शुरुआत है, ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है यहूदियों का,
आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़वजल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल ना लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बकिया तैयारी किसके लिए करो। जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, राफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ, मत लगाओ, तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब, यही मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूँ। इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार, अपना इबादत करो, चार दिन की जिंदगी है, हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के नहीं। सही बोले, दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की, असल में जन्नत के, हम तो दुनिया के दलाल हैं, जन्नत के दलाल ये हैं। लाइव टेलीकास्ट देख के आए जन्नत का, ये अब सुनो, हूर की होगी और उनकी और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर। आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको सुपुर्द कर दी जाएंगी, और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरें सुपुर्द कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी, इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए, 70 जोड़े कपड़े के होंगे, कितने जोड़े, 70 नहीं 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 70 सुनो पहले वो क्या बोल रहे हैं बदतमीज, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में, उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। ये जो हाई स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही है। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई, अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा, यकीन और यकीन, तो यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, ये जो हूरें मिलेंगी ये क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? सवाल मतलब इंपॉर्टेंट आया है, आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर, एक मिनट। जब इनका ऐसो का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। थोड़े दिन रुक जाए तो मजे लेगी दुनिया। हम बिस्तरी भी करेंगे मतलब यू विल स्लीप विद देम, फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया आप मजे भी लेंगे, है ना। ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है, ये महफिलों में जाते हैं, इसके हाथ चूमते हैं, दलील करते हैं। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, ये सोच है, ये औरतों को लेके सोच है। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि पता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो, जिन बातों पे बिलीव कर रहे हैं, शर्म करो, तुम्हारी समझ कहाँ तक की होगी फिर? अबे समझ जाओ बदतमीज, हंसका रहे हो, आगे सुनो बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी, वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। भगवान ने जन्म दिया ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वत। शर्म कर भाई, तेरे को तेरे सामने कैमरा भी शर्मिंदा हो जाए, क्या क्या बोल रहा था जो वहां पे बैठ के सुन रहे, मुझे समझ नहीं आता भाई, इनके घर कभी बेटियां पैदा ही ना हो, मैं तो कह रही हूं बहुत ही गंदा यार। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा, तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी,
और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो उससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी आप सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। ये नहीं कह सकेगी, वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसे ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा, इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। नाउ लेट्स कम ऑन सम सीरियस टॉपिक। अब मूवी ये दिखा रही है कि 70 हूरों का वास्ता देकर लोगों को आतंकवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। अच्छी बात यह कि हमारे भारत में गिनती की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है ये, उसको हम यही बोलेंगे कि बहुत कम लोग, वैसे तो एक को भी नहीं जाना चाहिए था। कश्मीर को अगर मुसलमान भाई अलग कर दें, आतंकवाद की अगर बात आए तो कश्मीरियों को मुसलमान ना माने डिबेट्स में या किसी चीज में, पर फिर भी पूरे भारत में अगर उठा के देखो तो इंडोनेशिया से और इंडिया से बहुत कम लोग इसकी तरफ धरातल पर मीन्स टेररिज्म को एग्जीक्यूट करने गए हैं, आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हों, ओसामा के साथ सहानुभूति रखते हों, और आपके कश्मीर में जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति रखते हों, पत्थरबाज जो कश्मीर के थे उनके साथ सहानुभूति रखते हों, वो अलग बात है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने तीन मौलाना देखे, ऐसे 300 हैं, ये पूरा ये समझा रहे हैं कि किस तरह जन्नत में आपको क्या मिलेगा। अब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि वापिस जिहाद, तो ये मेरे पास किताब है सही अल बुखारी किताब है, 7 सीरीज हैं ये, 7000 इसमें हदीस हैं, और ये जो प्रिंट होके आई है ये दारुल इस्लाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दारुल इस्लाम से ये प्रिंट होके मैंने अपने कजिन से ये 7 कॉपी सही अल मुस्लिम और सही अल बुखारी ये मंगाई थी। ये बहुत लंबी सीरीज है, हर तरह की जुड़ी हुई इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी हदीसें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं द बुक ऑफ जिहाद, बुक ऑफ जिहाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बुक ऑफ जिहाद। जो आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई तोते की तरह पहाड़ा पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। तो साहब बुक ऑफ जिहाद सही अल बुखारी साहब की दारुल इस्लाम सऊदी अरेबिया रियाद में जो प्रिंट हुई है वहाँ इसको एडिट किया गया है, वहाँ इसको चेक किया गया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में वहाँ से भेजी जाती है। मैंने डायरेक्टली वहाँ से ये 7 कॉपीज मंगाई थी। तो बुक ऑफ जिहाद क्या कहती है, नीचे लिखा है फाइटिंग फॉर अल्लाह कॉज, आप पढ़ रहे हैं द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह हैज परचेज फॉर द बिलीवर्स देयर लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है, फॉर द प्राइस दैट देयर शैल बी द पैराडाइज, इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, दे फाइट इन अल्लाह कॉज सो दे किल एंड आर किल्ड, स्पष्ट लिखा है। ये पहली हदीस है सही अल बुखारी की जिहाद पर, चैप्टर ऑफ जिहाद किल और गेट किल्ड से शुरू होता है। अब जब ये आप पहला देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि ये नंबर वन जिहाद के ऊपर नंबर वन लिखा है, मीन्स आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। अब जिहाद का जब मैं फाइन प्रिंट पढ़ता हूं तो हम देखते हैं अल जिहाद होली फाइटिंग इन अल्लाह कॉज विथ फुल फोर्स ऑफ नंबर्स एंड वेपनरी इज गिवन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन इस्लाम इज वन ऑफ द पिलर्स ऑन विच स्टैंड बाय जिहाद इस्लाम इस्टेब्लिश अल्लाह वर्ड इज सुपीरियर बाय अबंडनिंग जिहाद इस्लाम एंड द मुस्लिम फॉल इन टू ए इंफीरियर पोजिशन। ये जिहाद को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहां पर अंडर फाइन प्रिंट में वो ये किया जा रहा है व्हाट इज जिहाद, और पहला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब दूसरी जो इसकी एक मेन है वो है नरेटेड इवन इन मलिक, द प्रॉफिट सेड नोबडी हु डाइज एंड फाइंड्स गुड फ्रॉम अल्लाह वुड विश टू कम बैक टू वर्ल्ड, कि जो भी मर के अल्लाह के पास चला गया वो कभी वापस आना नहीं चाहेगा, इवन इफ ही वर गिवन द होल वर्ल्ड एंड वॉट एवर इज इट एक्सेप्ट द मार्टियर हु सीइंग द सुपीरियरिटी ऑफ मार्टिरडम वुड लाइक टू कम बैक इन द वर्ल्ड एंड गेट किल्ड अगेन। ये हदीस फरमाती है सही अल बुखारी साहब की कि कोई एक बार मर के अगर ऊपर चला गया अल्लाह के पास तो वो वापस नहीं आना चाहेगा सिवाय एक जिहादी के जो शहीद हुआ,
और वो इस मारे वापस आना चाहेगा क्योंकि ऊपर वो देख चुका होगा कि जिहादी जब शहीद के ऊपर जाता है तो कैसे उसको अव्वल दर्जा मिलता है। तो वो ये चाहेगा कि ये अव्वल दर्जा और अव्वल हो जाए, वो चाहेगा फिर मैं दुनिया में वापस आऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद हूं, फिर मरूं, फिर ऊपर जाऊं। तो जो आपने मौलाना साहब को सुना और जो मैंने सही अल बुखारी की आपको दो हदीस बताई, इसमें करीबन 370 हदीस हैं, इसको कोई भी गटर छाप अगर मुझे चैलेंज करने पर आएगा तो मुंह पे उसके गीला जूता पड़ेगा, सड़े चमड़े का, फटे चमड़े का। तो 370 हदीसों में से कम 360 हदीस सिर्फ वॉयलेंट जिहाद पर हैं, वॉयलेंट। अब जब हम इनकी 72 हूरों की बोली बात और इस हदीस को मिला देते हैं, इसका जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जब हम इसका कोहिबिशन करते हैं, तो एक जिहादी पैदा होता है। और जिहादी से वो ही मतलब है गटर छापो, मुझे ना समझाना सेक्युलरिज्म के नाम पर ये किसी और को जाके चुतिया बनाना कि जिहाद का मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कहां पढ़े हो जो बताते हो? सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी, दाऊद पढ़े हो? तुमने नाम नहीं सुने होंगे, कायदे से खोल के नहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? वहां पर जिहाद का मतलब वॉयलेंट जिहाद। तो मैं दो रेफरेंस दे रहा हूं, एक मौलानाओं के दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, और एक सही अल बुखारी साहब का दे रहा हूं, दरअसलाम सऊदी अरेबिया से छप के आई है, प्रिंट होके आई है, एडिट होके आई है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक जिहादी पैदा होता है जो शहीद बनना चाहता है इन 72 हूरों तक पहुंचने के लिए। इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला है। वो कितना पहुंचे, कितना नहीं पहुंचे, भारत से कितना पहुंचा, कहीं से कितना पहुंचा, वो एक अलग बात है, लेकिन रास्ता यही है। 72 हूरों की कहानी और ये हदीस है, यही कॉकटेल है। एग्जैक्ट करके लोगों को समझाया है और यस, ये पूरा एक लिटरेचर है, ये पूरा सिंडिकेट है जो इन बातों के नाम पर लोगों को टेरर की तरफ और एंटी नॉन मुस्लिम की तरफ, एंटी काफिर की तरफ करता है। कल बात करेंगे जो डिबेट में बदतमीजी हुई उन दो स्वरों को लेके। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। एक काम करो, जब जाने ही है, रुक जा मेरी बात सुन, जब बात तरूर में जाने ही है, इस जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्होंने बोला ना यहाँ क्यों जीवन वेस्ट कर रहे हो, तो एक काम करो एक ही बार में, भगवान ने तुम्हें नहीं, नहीं एक काम करो एक ही बार में सारे बैग की जगह बड़ी सी पेटी लगाओ, ऐसे लिपट जाओ, खत्म हो जाओ। नहीं ये तो इसने सरकास्टिक में बोल दिया, लेकिन एक सच्चाई में बताता हूँ। देखो ये ना एक एजुकेशन वाली बात है, सीरियसली एजुकेशन जो वो बोल रहा है, मतलब मेरा, मैं तो कोई मुस्लिम नहीं हूँ, बट मेरा मतलब तो ये बातें सुनने वहां पर ये बेहतर वाली बातें से लड़के तो जाते होंगे वहां बैठ रहे हो वे। अरे एक बात बता, लड़का आसमान से नो हुआ तो किसी और से पैदा है, जो बातें हो रही है वहां, जब यहाँ गए हैं, जो सुनने गए हैं, यार पैदा तो एक औरत से ही हुआ है, आसमान से तो उनके घर वाले अलाउ कैसे कर रहे हैं भाई, क्या गंद सुन रहे हो ना, फैंटेसी वर्ल्ड दिखा रहे हो, वो वहां पर ज्ञान नहीं हो रहा, वो हो रहा फैंटेसी वर्ल्ड, जो इनकॉग्निटो मोड ऑन करके जो होता है ना, एक आदमी नॉर्मली एक लड़का करता है, ये वहां पर ये बता रहा है कि कर रहे हैं ये जन्नत तुम्हारी, छी ये चीज मिलेगी, अब ये जो वहां सुन रहे हैं बैठ के कि तुम अपनी सड़ी, कोई भगवान कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें मिलेगा ये, जो मम्मी या बहनों के लिए इतना गंदा सुन कैसे सकते हो, छी यार छी, लानत है ऐसे उस पे यार, क्या मर्द हो तुम, आप किसी भी, आप या कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आपको गंदपना जो दिखता है ना, उस गंदपने के लिए आपको बोलना चाहिए। मेरे को वो ऐसा लग रहा था कि वो पी ओ आर मैं वो कर दूंगा स्टार, समझ गए ना, उसको उस वर्ल्ड को अपने शब्दों में बयां कर रहा है और एक्सट्रीम करके, और वो कह रहा है कि वो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो ये देख के आए उन्होंने बताया, अबे देख के तेरे घर में आए थे वो, अच्छा भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है, ठीक है, और वो, और लेकिन आप फिर मतलब आज की जो वास्तविकता उससे अपना वास्तव मत रखो, मतलब कि 100 साल तक अगर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम 100 साल तक जी गए, तो तुम बल्कि किस्मत खराब नहीं, वो अच्छी है, लेकिन आप 100 साल तक करोगे क्या, ये करोगे? हाँ, अरे भगवान ने अगर तुम्हें इंसान को दिमाग दिया तो उस इंसान ने दिमाग से रॉकेट बनाए, गाड़ी बनाई, साइकिल बनाई, नहीं चलाना, नहीं चलाना, मतलब कि तुम तो फिर तो बेइज्जती कर रहे हो, भगवान ने तुम्हें दिमाग भी दिया था, तुम तो बेइज्जती कर रहे हो, भगवान ने तुम्हें इतना इंटेलिजेंट बना दिया भाई, उस जो इसने बोला ना कि तुम यहाँ अपनी सड़ी गली जो तुम्हारी बीवियां हैं उनके उसके शब्द मेरे सामने अगर ऐसा रहते बजे इसमें, मतलब लिटरली जो उसकी बातें थी, और बहुत गंदा था, यही चीज समझो भाई, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है गाइज, सीरियसली समझो, ये तो फैंटेसी वर्ल्ड दिखा रहे हैं ना,
मैं बता रहा हूँ, फिर आधे लोग ऐसे मस्ती मस्ती में लोग लिखते ना, मैं तो कहता हूँ वही बंदे ठीक है जो कमेंट लिखते ना हम क्या करें हम तो सिंगल है, अरे भैया तुम सिंगल ही ठीक हो, ऐसे वर्ल्ड दिखा रही है, तुम्हारी सोच को पता नहीं किस मानसिकता पे ले जा रहे हैं लिटरली ये। और इसके बाद भी ये जिंदा है, मुझे तो सबसे बड़ी लानत इस पे है, इसको छोड़ रखा है खुला। लिटरली जो कहते हैं ना कि गंद, ये गंद बकर था, और जो किताब के साथ उन्होंने रिलेट करके जो एक मूवी बना रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया, एक्सप्लेनेशन आप देख लो भाई, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। एंड सीरियसली इस ये चीज सुनने के बाद इस चीज के ऊपर तो कोई वो नहीं कर सकता, हमने कितने डिबेट देखे हैं, बेहतर रोग का टॉपिक आते लोग समझ नहीं आता, और बेहतर रोग के लिए उनको बोलना ही होता है बस कि हुरे मिले, अरे भैया यार मतलब तुम ये जिंदगी मिली है ये जिंदगी मत जियो, तुम उनके लिए जियो जिनको तुम्हें पता भी नहीं होंगी नहीं होंगी, ये देख के आए थे दूरबीन लेके वहां पर। तो उसने वो किस बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो ये देख के आए हैं उनकी बताई, मतलब एक आदमी मरा ऊपर गया वापस आके से बताने आया, कहने बताता कि भाई एक होता है अनपढ़ एक होता है बिल्कुल ही अनपढ़ से भी मरे बिल्कुल, ये बता रहा है कि ये स्वाद मिलते हैं ये गंदगी है इस तरीके से, और क्या बोला कि यहाँ तो तुम्हारे इतनी जल्दी हो जाता है, वहां तो तुम्हें 100 मर्दों की ताकत मिले, अबे यार तुम इनसे ज्ञान लेते हो भाई, पढ़ाई लिखाई कर लो और सही है थोड़ी सी अच्छे कुछ बन जाओगे ना, मैं तो कहता हूँ इस जिंदगी में पैसा कमाओ अच्छे इंसान बनो जिंदगी जियो, आगे की जिंदगी कुछ नहीं बताओ, और अच्छे काम करो, अच्छे काम करो कुछ अच्छा होना होगा ना, तो भगवान तुम्हें वैसे भी अच्छी जिंदगी देगा। ये तो पाकिस्तान की थी कहीं की, लेकिन तू ये देखना ये पीट पीट थी नहीं है कुछ नहीं, हमने आरजू काश्मीर की डिबेट भी देखी थी, उन्होंने भी कहा कि मतलब एक दर्जा जो वुमेन को मिलना चाहिए बहुत चोरी, ऐसे आदमी पे ना बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जीभ गंदी, सर ने मतलब जिस तरीके से किताब के साथ वो चीज बताई ना, समझो मूवी क्यों बनाई जा रही क्या, इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लोगों की बेवकूफ वाली बेवकूफ बातों में जुड़ के ना अपनी जिंदगी व्यर्थ ना करें। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा, बाय बाय, टेक केयर।